मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में तीन नई तहसीलों विदिशा जिले में पठारी, पन्ना में सिमरिया और सीधी जिले में बहरी के गठन को भी मंजूरी मिल गई। इनके लिए अलग से अमला भी मंजूर किया गया। साथ ही करीब 1,500 करोड़ रुपए की 7 सिंचाई परियोजनाओं और करीब 500 करोड़ रुपए लागत की 5 सड़क योजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। विदिशा जिले के अंतर्गत नवीन तहसील पठारी का सृजन करने का तय किया है। इसके लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक ग्रेड 3 भृत्य के भी पद स्वीकृत किए हैं। इसी तरह से सीधी जिले की बहरी को नवीन तहसील बनाने का आज कैबिनेट ने तय किया है। इसके लिए भी पूर्व की भांति पद सृजित करने का तय किया है। पन्ना जिले के अंतर्गत सिमरिया को नई तहसील का दर्जा देने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। सिमरिया और पूर्व की भांति इसमें भी वही पद स्वीकृत करने का तय किया है। लघु सिंचाई योजना की आज प्रशासकीय स्वीकृति 83.33 करोड़ की कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। विदिशा जिले की बघरू मध्यम सिंचाई योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 64.17 करोड़ की प्रदान की गई। देवास जिले की दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति 174.55 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने की अनुमति दी गई। छतरपुर जिले की तरपेड़ मध्यम सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति 82.74 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति 82.74 करोड़। श्योपुर जिले की अपर करकेटो मध्यम सिंचाई परियोजना के विस्थापितों के लिए घरोजी सामान और अनाज के परिवहन के लिए प्रति परिवार 5,000 रुपये और भूखंड के एवज में 30,000 रुपये ककेटो मध्यम परियोजना के लिए अनुदान का स्वीकृत किए जाने का तय किया है। धार जिले की माही परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 590.75 करोड़ रुपए की दी गई है। बालाघाट जिले की राजीव सागर बावनथली बृहत परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 475.58 करोड़ रुपए की आज प्रदान की गई। इसी तरह से जल संसाधन विभाग द्वारा जो औद्योगिक इकाइयों को पानी दिया जाता था, उसके संबंध में भी आज जलकर व्यवस्था लागू किए जाने को भी आज प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट ने जबलपुर और ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों के लिए 546 पद मंजूर किए गए हैं। नरसिंहपुर के बरमान और जबलपुर के ग्वारी घाट को पवित्र स्थान घोषित करने और जबलपुर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 57.95 करोड़ रुपए मंजूर करने का फैसला भी हुआ है। तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग में जिस तरह से शिक्षकों की अर्धवार्षिक आयु 62 से बढ़ाकर 65 का पूर्व में निर्णय लिया गया था, उसी तरह का निर्णय अब प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों जो जबलपुर और ग्वालियर में स्थित हैं, उनमें कार्य शिक्षकों की सेवा नेतु आयु 62 से बढ़ाकर 65 किए जाने का निर्णय आज मध्य प्रदेश की 62 से बढ़ाकर 65 किए जाने का। बरमान में पटवारी हल्का नंबर 16 राजस्व निरीक्षण मंडल बरमान तहसील करेली जिला नरसिंहपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का आज कैबिनेट ने तय किया है। इसमें से मुख्य हैं छिड़ाव घाट, सीढ़ी घाट, सतधारा घाट और दीपा मंदिर, इसको पवित्र क्षेत्र घोषित करने का तय किया है। इसी तरह से अन्य निर्णय में जबलपुर स्थित ग्वारी घाट को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का आज तय किया है, जिसकी सीमा में मुख्य रूप से पूर्व की ओर ग्वारी घाट, शमशान घाट, पश्चिम की ओर से ग्वारी घाट, उत्तर की ओर से खंडाली नाला और दक्षिण की ओर से नर्मदा नदी का किनारा, ये पवित्र क्षेत्र घोषित करने का तय किया है। जबलपुर में जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए लंबे समय से मांग चली आ रही थी,
उस ड्रेनेज सिस्टम के इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत 97.95 करोड़ के ऋण की प्रशासकीय प्रत्याभूति की स्वीकृति आज 95 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। ये होडकोट से राशि के ऋण प्राप्त करने के लिए दिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में मंत्रियों ने प्रदेश की विकास दर में वृद्धि में मिली उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री को बधाइयां भी दी। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, EMS TV न्यूज़ भोपाल।